खबर बिहार से है। बिहार में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ककोलत जलप्रपात का शिलान्यास करेंगे। लगभग 16 करोड़ रुपए के लागत से इसका पुनरुद्धार हुआ है। विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार से हमारे संवाददाता सागर जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं कि क्या कुछ मुख्यमंत्री का आज का प्लान है और क्या कुछ है मुख्यमंत्री आज करने वाले हैं। सागर, क्या जानकारी है इस बात को लेकर कि आज जलप्रपात का शिलान्यास करने वाले हैं मुख्यमंत्री? जी बिल्कुल, देखिए नीतीश कुमार का आज दिन जो है वो व्यस्तता भरा रहेगा। और आपको बताते चले, ये बहुप्रतीक्षित जो ककोलत जलप्रपात है नवादा में स्थित है और वहां पर आज मुख्यमंत्री सबसे पहले जाएंगे। बहुत दिनों से यह जो योजना थी वह चली आ रही थी, लेकिन बहुत सारी समस्याओं के वजह से यह पूरा नहीं हो पा रहा था। आदित्य, आपको बताते चले कि कई बार मुख्यमंत्री ने मंच से भी इस बारे में कहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ी योजना है जिसे बिहार का कश्मीर कहते हैं। आदित्य, बिहार के कश्मीर कहे जाने वाले इको पर्यटन केंद्र, आपको बताते चले ककोलत जलप्रपात का लोकार्पण आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करने वाले हैं। और इसके साथ साथ ये बहुत दिनों से जनता के लिए बंद भी था आदित्य, तो आज लोकार्पण के साथ साथ जनता के लिए भी इसे खोल दिया जाएगा। आम आदमी भी यहाँ पर जाकर अपने जो लुत्फ है वो उठा सकेंगे। आदित्य, तो पर्यटन को क्या फायदा होगा इससे सागर, वहां पे अगर देखा जाए इस हिसाब से? तो क्योंकि पर्यटन को लेकर बिहार में हमेशा से एक बात होती है कि बिहार को उस हिसाब से पर्यटन स्थल का दर्जा नहीं मिल पाया। बिहार में इतने पर्यटक स्थल होने के बावजूद वहां पे सैलानी या फिर बाहर से लोग कम आते हैं, तो क्या इससे आपको लगता है कि बिहार में पर्यटन के क्षेत्र में एक आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलेगा? बिल्कुल आदित्य, पर्यटन के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी जो है ये योजना है। आप कह सकते हैं, देखिए नरेंद्र मोदी की जब से सरकार आई है वो उद्योग पर बात कर रहे हैं, पर्यटन पर बात कर रहे हैं, जो इकोनॉमी ग्रोथ करने की बात है लगातार वो कही जा रही है। तो नीतीश कुमार जब फिर से एनडीए के साथ आए हैं तो दोनों ही सरकारों ने, डबल इंजन की सरकारों ने मिलजुल कर यह प्रोजेक्ट तैयार किया है। आपको बताते चले नवादा का यह गोविंदगंज प्रखंड है, यह बहुत छोटा प्रखंड है आदित्य। आपको बताते चले कि दुर्गम जो है रास्ते हैं, वहां पर जाने की सुविधाएं भी पहले तक नहीं थी, बहुत छोटा इलाका है, कस्बा है एक तरह से आप कह सकते हैं। लेकिन ककोलत जलप्रपात के होने के वजह से उसका नाम देश विदेश में भी है। और अब जिस प्रकार 1600 करोड़ रुपए लगाए गए हैं आदित्य, ये बहुत बड़ी राशि है। आपको मैं बताते चलूं एक किन चीजों का विकास हुआ है। देखिए, प्राकृतिक कुंड बनाए गए हैं आदित्य, उसके बाद चेंजिंग रूम, जो पुरुषों के लिए अलग चेंजिंग रूम, महिलाओं के लिए अलग चेंजिंग रूम बनाए गए हैं, कैफेटेरिया बनाया गया है, प्रशासनिक भवन बनाए गए हैं, सूचना केंद्र बनाए गए हैं, अमानती घर जो लॉक रूम होता है वो बनाया गया है, पार्किंग की सुविधा दी गई है, पेयजल की व्यवस्था जो है वो किया गया है। अच्छा सागर, इसके अलावा ये भी जानकारी है कि हरनौत में सीएम नीतीश कुमार पुल का निर्माण मतलब शिलान्यास करेंगे और वारसलीगंज में सीमेंट फैक्ट्री का भी उद्घाटन है, तो क्या कुछ जानकारी है इसके बारे में आपके पास? जी आदित्य, देखिए बारी बारी से मैं सभी के बारे में आपको बताता हूँ। ककोलत जलप्रपात जो है नवादा में, सबसे पहले तो हवाई मार्ग के द्वारा यानी हेलीकॉप्टर के द्वारा पटना से 11 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाएंगे और नवादा के ककोलत जलप्रपात का जो लोकार्पण है वो 11:20 में मुख्यमंत्री करेंगे। इसमें साथ इसमें आपको बताते चले कि दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी विजय कुमार सिन्हा और वहां के जो सांसद है नवादा के, भारतीय जनता पार्टी के सांसद है सीपी ठाकुर के बेटे हैं, वो वहां पर विवेक ठाकुर मौजूद रहेंगे आदित्य। उसके बाद मैं आपको बताते चलूं 30 मिनट तक मुख्यमंत्री नवादा के ककोलत एरिया में रहेंगे और उसके 30 मिनट मतलब 30 मिनट समय गुजारने के बाद मुख्यमंत्री वहां से वारसलीगंज जाएंगे। आदित्य, वारसलीगंज में 12:10 बजे कार्यक्रम है, औद्योगिक क्षेत्र में सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट जी बिल्कुल शिलान्यास करेंगे आदित्य। और उसके बाद उस वहां पे सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट का लोकार्पण करने के बाद उसके बाद फिर मुख्यमंत्री आगे के तरफ अपने गृह जिले के तरफ चलेंगे। देखिए नालंदा की बहुत बात होती है आदित्य। जी बिल्कुल, कहा भी जाता है मुख्यमंत्री खुद वहां से आते हैं तो नालंदा पे विशेष ध्यान रहता है उनका। बिल्कुल, लेकिन पिछले दिनों आपने देखा कि नालंदा अपराधियों का हब बन गया है, पेपर लीक का मामला हो, हत्या हो, अपराध हो, लूट हो, हर चीज में नालंदा का नाम आता है। और देखिए नीतीश कुमार अपनी छवि के लिए जाने जाते हैं आदित्य, जब भी उनके छवि पर सवाल उठता है तो वो सीधे
जवाब नहीं देते हैं लेकिन कुछ काम ऐसा कर देते हैं ताकि वो सारे उठने वाले जो सवाल हैं वो बंद हो जाए। बिल्कुल आपने सही कहा, डैमेज कंट्रोल में नीतीश कुमार कहीं ना कहीं लग जाते हैं कि उनकी छवि को कहीं नुकसान ना पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल आदित्य, तो यही वजह है कि आपने दो तीन दिन से देख रहे हैं लगातार नालंदा अपराधियों का हब बना हुआ है। तो आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब वहां जाएंगे तो जो अधिकारी हैं वहां उनसे बात भी करेंगे, समीक्षा भी एक तरह का आप कह सकते हैं कि छोटा समीक्षा भी करेंगे, लेकिन जो मुख्य सरकारी कार्यक्रम है आदित्य मैं आपको बताते चलूं कि हरनौत के द्वारिका बिघा गांव में वो पहुंचेंगे, वहां पर एक कूप बनाया गया है और ग्रामीणों के कहने पर, ग्रामीणों के बहुत ज्यादा जो है शुक्रगुजार करने पर उस पुल का नाम नीतीश पुल रखा गया है। ये सरकारी नाम नहीं है नीतीश पुल, एक पुल बनाया गया था लेकिन चूंकि नालंदा के नीतीश कुमार है और नालंदा में कुछ भी हो नीतीश कुमार हमेशा नंबर वन रहते हैं, नीतीश कुमार के वहां के लोग प्यार भी करते हैं, अपना समझते हैं, इसलिए ग्रामीणों के अनुरोध पर पुल का नाम नीतीश पुल रखा गया है आदित्य। और उसी पुल का उद्घाटन आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नालंदा के हरनौत से करेंगे और एक संदेश देने की कोशिश करेंगे कि भले ही कितने ही पुल बिहार में गिर जाए लेकिन नीतीश कुमार की जो विकास यात्रा है वो रुकने वाला नहीं है आदित्य। जी बहुत बहुत धन्यवाद सागर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस विशेष जानकारी के लिए। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बिहार में अनेक पुलों का शिलान्यास का दौरा है, उसके अलावा सीमेंट की फैक्ट्री कलकोत जलप्रपात का करेंगे और उसके बाद फिर नालंदा में जाकर अपने गृह जिला में जाकर वहां पे नीतीश पुल का भी बहुत शिलान्यास करेंगे।